नमस्कार किसान साथियों, मैं विजय चौधरी, ग्राम ढाबा खुर्द, तहसील डोलरिया, जिला नर्मदापुरम। तो आज हम हमारे गांव में ही ढाबा खुर्द में दीपक भाई हैं, इनके खेत में सरसों की फसल देखने आए हैं। तो हमारे कहने पर ही इन्होंने ये सरसों की फसल जो है लगाई है। इनने क्या, इस बार ये खेत इनका पड़ती था तो उसे इस बार चालू करा, खेत को पड़ती तोड़ी है, तो इस वजह से हमने उन्हें सलाह दी कि आप इसमें सरसों की खेती करिए, क्योंकि पड़ती ज़मीन में गेहूं की पैदावार अच्छी होती नहीं है। और एक विकल्प था चने का, चना अच्छा होता पड़ती जमीन अगर पहली बार तोड़ो उसमें तो। लेकिन क्या है कि बगल में इनके खेत के बगल से जो है हथेड़ नदी बहती है, तो हथेड़ नदी के वजह से सूंगर, जंगली सूंगर और बंदर, इनका प्रकोप कुछ ज़्यादा रहता खेत में। तो चने में सूंगर बहुत नुकसान करती है, तो इस वजह से हमने उन्हें सलाह दी कि आप सरसों लगाइए। हमारे कहने पे इन्होंने सरसों लगाई, और ये वैरायटी जो है 45S47 पाइनियर की, ये कम दिन की वैरायटी है। एक 45S46 जो है वो ज़्यादा दिन की रहती है, उसका उत्पादन भी ज़्यादा आता है। तो दीपक भाई, जी आपने ये सरसों लगाई जी तो आप इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। पेड़ अच्छा बना है, हमारा ग्रोथ अच्छी चल रही है, पानी का कम है इसमें जरूरत, आपने और इसमें जानवरों से नुकसान भी कम है। कितने पानी दे चुके हैं अभी तक? अभी 2 पानी दी है क्योंकि ये रेतीली जमीन है, इस कारण हमने 2 पानी दिए हैं इसमें। ये आप देख सकते हैं पथरीला कितना खेत है। ये आप देखिए दीपक भाई की सरसों जो है, उनके पेड़ देखिए क्या शानदार पेड़ बने हुए हैं, पत्तों की और चौड़ाई भी अच्छी है इनमें। पत्ते भी भरपूर हैं। अच्छा दीपक भाई, इसमें माहू की शिकायत आई थी क्या? माहू की शिकायत अभी ज्यादातर तो नहीं दिख रही है, बाकी कहीं 1-2 पेड़ पे दिख रही है माहू, तो उसके लिए हम, आपने जो बताया था क्लोरीपाइरीफास 20% TC, उसका छिड़काव कर चुके हैं, कल ही किया था वो छिड़काव। कल आप इसमें कर चुके हैं? जी चलो इधर और देखते हैं आगे क्या है। शानदार शानदार फसल जमी हुई है, आपके मार्गदर्शन पे ही खेती चल रही है। आप बने जो हुए एनपीके का हैं बोल रहे हैं वो कल डालते हैं हम। इसमें, NPK नहीं, इसमें 0.54 का स्प्रे जी करिए जी आप, जी और साथ में एक फंगीसाइड जी जी एबुकोनाजोल का भी इसमें मिला के स्प्रे स्प्रे कर दें। कर दो आप, जी क्योंकि इसके बाद क्या है, अब 8-10 दिन बाद जो है आप फिर इसमें स्प्रे कर हाँ, नहीं वो पूरी पाओगे, सघन हो गई क्योंकि है तो यही स्प्रे में बहुत दिक्कत गई है। पेड़ जो हैं बड़े हो जाएंगे, वो जी अभी तो हाइट और बढ़ेगी है, लगभग 6.5 फुट जी 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 हाइट के पेड़ होंगे इनके, जी तो आप एक स्प्रे तो अभी कर दीजिए इसमें। जी और क्या मस्त शानदार पेड़ बने हुए हैं, ये नई और तोड़ के कारण हमने ये घास ये लगाई अभी हुई है, जिससे ये बंदिया बारिश लगाई में ये है। बंदिया नहीं कटे, जो अपन पानी जाता है नदी का इस पे से, तो ये बांधिया नहीं कटे, इस कारण ये पेड़ लगाई, घास लगाई हुई है। ये कौन सा चारा है? ये वो ये नेपियर घास है जी क्या? नेपियर घास है, ये मक्के की अच्छा वैरायटी की आती है जो अच्छी चौड़ी होती है, 1 साल लगा दो तो इसमें 8-10 साल लगाने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर से काटते रहिए तो वो अपने नए किल्ले छोड़ते रहता है, इससे ये कटाव भी रुक जाएगा इससे ये आपका। कटाव भी रुक जाएगा और मट्टी का अपना कटाव नहीं हो पाएगा। तो ये साइड में हथेड़ जो नदी है ये पूरा बहा ले जाती है मिट्टी को, रेतीली जमीन है तो वो जम भी नहीं पाती है मट्टी। और ये जो पेड़ है, ये अचार का पेड़ है, काय का पेड़? नहीं, ये महुए का पेड़ अच्छा है। ये महुए का पेड़ जी है। जी कम से कम 10-12 पेड़ है हमारे यहाँ पे, अरे उनको संरक्षित रखा गया है पूरा। अच्छा, ठीक है। तो महुआ के पेड़ भी हैं हमारे यहाँ पे ढाबा में, जी काफी संख्या में है महुआ के पेड़।
जी, ये जो आते हैं आदिवासी लोग बीन के ले जाते हैं इनको। इस बार अच्छा। अच्छी पैदावार हुई थी उनकी, कम से कम 10-12 क्विंटल करीब निकला होगा। बाकी सरसों बहुत बढ़िया लगी है जो आपके मार्गदर्शन में बोई गई है, 45 या 47। और ये हमारे कैमरामैन राहुल महतो जी हमारे वीडियो बनाते हुए, बगल में इनका भी खेत है राहुल महतो जी का। ठीक है महतो जी।